नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 8 की गणित लगा रहे हैं, कक्षा 8 की एनसीईआरटी गणित दोस्तों। और जो प्रश्नावली संख्या है दोस्तों वो 9.2। देखते हैं चौथा प्रश्न, तीन प्रश्न हम लगा चुके हैं। कह रहा है ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। दोस्तों आप जानते हैं घनाकार से क्या कहना चाह रहा है। जैसे आपका कमरा है दोस्तों, आप अपना कमरा देख रहे हैं ना, आपके कमरे में क्या है दोस्तों? लंबाई है, चौड़ाई है, कुछ मान लीजिए इस तरीके का आपका कमरा है, और दोस्तों ऊंचाई भी है आपके कमरे में। इस तरीके का दोस्तों आपका कमरा हो गया, इस तरीके का कुछ इस तरीके का दोस्तों, ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके का कमरा हो गया आपका। यहाँ पे आपका इस तरीके से बेड भी है दोस्तों, इस तरीके से एक बेड भी आपका इधर रखा होगा, समझ रहे दोस्तों? इस तरीके से आपका बेड रखा होगा, और हो सकता है दोस्तों आपके कमरे में इस तरीके की अलमारी भी हो दोस्तों। ये सभी दोस्तों किस प्रकार की आकृतियां हैं? घनाकार आकृतियां हैं, यानी इनमें लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, या लंबाई चौड़ाई कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं आप। आमतौर पर जो सबसे लंबा है उसको लंबाई लिखा जाता है, यानी ये वाला लंबाई और ये वाला चौड़ाई आमतौर पर दोस्तों, मगर कोई बात नहीं, इधर उधर भी लिख सकते। तो ये सभी दोस्तों घनाकार आकृतियां हैं। तो घनाकार आकृतियों का आयतन क्या होता है दोस्तों? आयतन होता हो इनका लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। लंबाई दोस्तों एक तो कितनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो, हमें तीनों का गुणा कर देंगे तो आयतन मिल जाएगा। हमें दोस्तों आयतन ही निकालना, तीनों का गुणा कर दें। आइए, 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105, ठीक है दोस्तों। ए की पावर 1, ए की पावर 2 और ए की पावर 4, पावर जुड़ जाती है सभी ए हैं, 1, 2, 3, 3 और 4, 7, 1 की पावर 7, ये हो गया दोस्तों आपका आयतन, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 2P, 4Q और 8R, इनको आपस में गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाएगा 2 × 8 = 64। यहाँ P है दोस्तों, यहाँ Q है, यहाँ R है, यानी कि कोई पावर और आपको देखने की जरूरत नहीं, सीधे PQR लिख देना, ठीक है दोस्तों। तीसरा है XY, 2X² Y और 2XY² ये उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, कौन सी है ये हमें नहीं पता, मगर एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी, ठीक है दोस्तों। ये वाली मुझे लंबाई लग रही है, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, या ये वाली लंबाई होगी, इन दोनों में से कोई एक लंबाई होगी। आइए देखते हैं, चलो इनको गुणा करते हैं दोस्तों। संख्या पहले कौन सी है? 2 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 × 2 = 4। एक्स का क्या हाल है दोस्तों? यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1, 1, 2, 4, एक्स की पावर 4, ठीक है। तो वाई का क्या है दोस्तों? 1, 1 और 2, वाई भी 4, ये हो गया दोस्तों आपका आयतन। आइए इस वाले में देखते हैं, ये दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 × 2 = 6, ए बी सी सब अलग अलग दोस्तों, सब अलग अलग है, कोई पावर और कुछ नहीं इसमें आएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों घनाकार आकृति की बात कर रहा था दोस्तों, मैं सॉफ्टवेयर पे आपको दिखाऊं घनाकार आकृति कैसी होती है दोस्तों। घनाकार आकृति मैं आपको सॉफ्टवेयर पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये आपका कमरा जो है घनाकार आकृति, ये बल्कि घनी है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है दोस्तों, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर। ये इसका टॉप व्यू हो गया दोस्तों, ये टॉप व्यू हो गया, और दोस्तों ये मान लेते हैं इसका फ्रंट व्यू है, यहाँ पे आपका कहीं गेट होता है दोस्तों, है ना, ये इसकी चारों तरफ की दीवारें हैं, ये इसका फर्श वाला हिस्सा है दोस्तों, नीचे वाला, ठीक है, ये छत है। मान लेते हैं अगर हम इसमें हम आपका आपका बेड भी अगर बनाए तो दोस्तों, अगर बेड भी बनाने का प्रयास करें, आइए देखते हैं,
बेड बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों इसमें। मान लेते हैं आपका बेड कुछ इतना लंबा होगा दोस्तों, ठीक है, और कुछ इतना ऊंचा होगा, ठीक है दोस्तों, 1-1.5 फीट ऊपर। ये हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका बेड, ठीक है दोस्तों। ये बेड भी आपका घनाकार आकृति, और दोस्तों आपके कमरे में मान लीजिए अलमारी जो होगी वो भी एक घनाकार आकृति, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको मजा आया होगा। घनाकार आकृतियों के आयतन निकाल करके दोस्तों, एलजेब्रा, एलजेब्रा के ABCPQR इन सब में आयतन निकाल करके, आयतन होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। धन्यवाद दोस्तों।